सर, पहला प्रश्न तो ये है कि राजनीति में आप कब से हैं और कैसे आना हुआ? राजनीति में मैं 2006 से हूँ, और जहाँ तक आने की बात है तो मैंने लोगों को देखा कि जो गरीब और बेसहारा लोग हैं उनकी कुछ सुनता नहीं है, और जो क्षेत्र का विकास है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी सब सोच के चलते हुए जो बेसहारा है, शहर लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, उनकी वजह से मैं राजनीति में आया, और एक अपने समाज को एक करने के लिए। सर, एमएलए बनने के बाद आपके लिए चुनौतियां और बढ़ गई हैं, क्योंकि सरकार प्रदेश में एसपी के, ऐसे में साहिबाल क्षेत्र के विकास कार्य को कैसे अंजाम दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात आपकी ठीक है कि सरकार हमारी नहीं है, समाजवादी की सरकार है, लेकिन फिर भी जो हमारे अधिकार हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, इसलिए मैं उनसे पीछे नहीं हटूंगा। चाहे मुझे कितना भी काम करना पड़े रात दिन, चाहे किसी का सामना करना पड़े, जो भी करना पड़े, मैं जनता के विकास के लिए, जनता के सम्मान के लिए अपने क्षेत्र का विकास कराऊंगा। सर, क्षेत्र के में जो आपने वादे किए, आप उनको किस रूप में देखते हैं? जो हमने वादे किए हैं और वो पूरे वादे पे हम खरे उतरेंगे और सारे वादे के अनुसार कार्य कराए जाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? प्राथमिकता है यहाँ के क्षेत्र, हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर जो सीवर की समस्या है, एक पूरे क्षेत्र के अंदर गंगा वाटर नहीं है। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि क्षेत्र में सीवर साफ होना चाहिए और गंगा वाटर हर घर में पहुंचना चाहिए। बाकी बहुत सारी लोगों की समस्या है, उन पर भी ध्यान दिया जाए। सर, अभी इसके लिए कुछ आपने किसी से कहा है, किसी से मुलाकात की, किसी क्लास ली? अभी मैं इसमें आवास विकास में भी जाके मिला हूँ, और वीसी से भी मिला, और अभी मैंने विधानसभा में भी यही मुद्दा उठाया है। विधानसभा में मैंने ये मुद्दा उठाया है। कैसा रेस्पॉन्स रहा है? रिस्पॉन्स ठीक है। जब हम संघर्ष करेंगे तो अगले को तो हमारी बात सुननी पड़ेगी। सर, अपने साहिबा क्षेत्र में बिजली कटौती, अघोषित कटौती बहुत ज़्यादा है, नागरिक त्रस्त है, मुश्किल से 14 घंटे बिजली मिल रही है, 10 घंटे की कटौती हो रही है। इसके बारे में भी हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, और सीएम साहब से हमने खुद कहा है कि जो रिवेन्यू है गाजियाबाद का, वो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू प्रदेश में गाजियाबाद देता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखते हुए गाजियाबाद को 24 घंटे की नहीं तो 22 घंटे की बिजली देने का काम करें। सर, नगर निगम में चुनाव में घोषणा हो चुकी है, कितनी बड़ी सफलता की उम्मीद कर रहे हैं? नगर निगम में हम जहाँ तक अपनी बात करें अपने विधानसभा की, तो हमारे यहाँ जितने भी पार्षद हैं मोस्टली सब जीत का है। मेट्रो स्टेशन को जोड़ने के लिए दिल्ली और वैशाली तक फीडर बसें कब तक चल पाएंगी? ये भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, इसमें हम वीसी से अभी 8 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी और इस पर काम चल रहा है। साहिबाद रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर सिर्फ 2 ही काउंटर हैं, क्या 20 लाख की आबादी के लिए पर्याप्त मानते हैं? नहीं, वहाँ पे काउंटर की जरूरत भी है, और वसुंधरा के सामने भी एक हाट की जरूरत है। हमने पहले भी ये चिट्ठी लिखी है और इस बारे में भी हम लोगों से बात कर रहे हैं। पब्लिक स्कूलों फीस वृद्धि और यूनिफॉर्म बेचने को मनमानी जा रही है, अंकुश कैसे रहेगा? हम इसके खिलाफ बहुत जोर शोर से आवाज़ उठा रहे हैं, पीछे भी हमने 1-2 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई कराई है, अभी हम सबका RTI के द्वारा सबसे पूछ रहे हैं सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ लगवाया जाएगा। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस उत्पीड़न को बंद कराया जाए। सर, आपके क्षेत्र में जो है लोनी की तरफ जो रोड जा रहा है, आपके क्षेत्र की रोड की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है, गहरे गहरे गड्ढे हैं, बड़ी मुश्किल से भरा सफर रहता है, टीला मोड़ से फर्रुखनगर पहुँच पाते, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, भोपरा से लोनी रोड और फर्रुखनगर तक की रोड कब सुधरने की उम्मीद? देखिए, भोपरा वाली रोड तो सुधर रही है, अभी हमने 25 लाख रुपए जो है अपने उससे फंड से करा के उसको सही करा रहे हैं जी। और हमने PWD से भी बात करी है, वो जल्दी सुधर रही है। मोहन नगर और यूपी बॉर्डर में के क्षेत्र में जो ट्रैफिक अनियंत्रित है, यूपी बॉर्डर जो अपना अप्सरा बॉर्डर है, वहाँ पर जमावड़ा रहता है, पुलिस उगाही में व्यस्त रहती है, जनता को ट्रैफिक जाम से 2-4 होना पड़ता है, कब तक हालात पर लगाम लग पाएगी? इसमें भी देखिए, अब सरकार क्या करती है, सरकार की क्या नीति है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग तो उनसे कह ही सकते हैं सारी चीज़ें।